The value of the integral this is correct up to 3 decimal place. तो इसका हमें integral find out करना है. तो आप सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर जो integrand में जो terms है वो y raised to the power 4 e raised to the power x y square है. और सबसे पहले यहाँ पर जो इंटीग्रेट किया गया है वो y के रेस्पेक्ट में किया गया है. अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा. मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन मान के और इसको सेकंड फंक्शन मानकर इस तरह से अगर मैं करता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा हार्ड होगा. तो मैं इस क्या करता हूँ इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देता हूँ. अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके मुझे क्या मिलेगा, तो सबसे पहले मैं y के रेस्पेक्ट में यहाँ गिवन है तो क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट है उसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व है तो ये लिमिट होगा दूसरे का यानी कि y का, y इक्वल टू x का. तो अगर मैं इसको फर्स्ट x के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो क्या होगा, ये y रेज टू द पावर 4 और यहाँ पर जो ये पावर में दिया गया है y स्क्वायर, ये ट्रीट होगा एज ए कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पर e रेज टू द पावर x टाइप का हमें मिलेगा जिसका इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी होता है और हम लोग जानते हैं. तो मैं इसको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन का मैं चेंज कर रहा हूँ. और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कि इसको उठाया पहले लिख दिया और इसको उठाया बाद में लिख दिया. ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन या वो जिस कर्व से बाउंड है वो रीजन चाहिए. तो ये जो हमें पहले गिवन था वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू वन, तो हम सबसे पहले इसके लिए देख लेते हैं रीजन क्या होता है. तो ये y इक्वल टू एक्स ऐसे लाइन जाता है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू वन, ये कुछ इस तरह से होगा. और x इक्वल टू जीरो टू वन, ये कुछ इस तरह से होगा. तो आपका ऑर्डर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये हो गया. अब हमें x के रेस्पेक्ट में करना है तो मैं एक स्ट्रिप x के पैरेलल यहाँ से कट करूंगा. तो ये इस स्ट्रिप मतलब जो x की लिमिट है वो वेरी करेगी जीरो से इस लाइन तक, ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स. तो जो मेरा ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होगा तो इनसाइड में क्या रहेगा, x वेरी कर रहा है जीरो से y तक यानी कि इस लाइन तक, ये जो लाइन हमें जा रहा है इस लाइन तक. और जो y का लिमिट होगा वो वेरी करेगा जीरो से वन तक, ये कॉन्स्टेंट लिमिट हो जाएगा, ये जीरो से वन तक जाएगा. और जो हमारा एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैं इसको y रेज टू द पावर 4 को ट्रीट करूंगा एज ए कॉन्स्टेंट तो मैं इसको आउटसाइड ही लिख देता हूँ क्योंकि फायदा नहीं है कुछ. और ये जो था e रेज टू द पावर x y स्क्वायर dx dy. तो अब मेरा जो इंटीग्रल है वो कुछ इस टाइप से दिखता है मुझको, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं. तो यहाँ पर e रेज टू द पावर x y स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करूंगा तो ये कांस्टेंट जो है इसका जो डेरिवेटिव होगा तो वो नीचे आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 0 टू 1 वाई रेज टू द पावर 4 और वाई स्क्वेयर यहाँ पर ये नीचे आ गया. और ये ऐसे ही रहेगा e रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वेयर और जो इसका लिमिट था वो 0 से y dy. तो अब मैं इसमें सिर्फ लिमिट पुट कर दूंगा तो ये मुझको क्या मिलेगा, 0 से 1 यहाँ पर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पावर 2 यहाँ पर ये बचेगा. और ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या मिलेगा, ए रेज टू द पावर वाई क्यूब माइनस 1, इस टाइप का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा जब हम लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट. तो यहाँ पर एक्स की जगह वाई पुट करूंगा तो वाई क्यूब हो जाएगा और फिर 0 पुट करूंगा तो ए रेज टू द पावर 0 1. तो मुझको ये एक्सप्रेशन मिल गया और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से 1 वाई स्क्वेयर ए रेज टू द पावर वाई क्यूब डी वाई माइनस 0 से 1 वाई स्क्वेयर डी वाई, ये मुझको मिलेगा. और इसका जो वैल्यू होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं वाई क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो वाई स्क्वेयर, वो यहाँ पर गिवन है इंटीग्रांड में ही. तो यहाँ पर ये क्या होगा, ए रेज टू द पावर वाई क्यूब और इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 1 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3. और यहाँ पर वाई क्यूब है तो 1 अपॉन 3 और आएगा यहाँ पर, तो वो मैं आउटसाइड लिख देता हूँ. और ये वाई क्यूब अपॉन 3 और ये 0 से 1.
तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा 1/3। अब यहाँ पर लिमिट पुट करूंगा ए रेज टू द पावर 1, तो यहाँ पर मिलेगा ई माइनस, और जब मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ से 1 मिलेगा, माइनस 1 पुट करूंगा तो 1/3, और फिर 0 मिलेगा, तो यहाँ पर अब मुझको क्या मिलता है, ई अपॉन 3 माइनस 1/3 माइनस 1/3, तो यहाँ से मिला ई अपॉन 3 माइनस 2/3, और इसका जो वैल्यू होगा ई माइनस 2/3, और ए का वैल्यू होता है 2.718 माइनस 2/3, और 2 से यहाँ पर ये 2 सब्ट्रैक्ट होकर तो जो वैल्यू बचेगा वो मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, 0.718 डिवाइडेड बाय 3, और इसका जो आपको वैल्यू मिलेगा 3 से डिवाइड करने पर 0.326, 1 बचेगा, 3 3 9, 2 बचेगा, और 3 7 सॉरी 2 बचेगा, ये 28 हो जाएगा, 3 9 18, 3 9 27, तो यहाँ पर अप्रॉक्स 0.239, क्योंकि यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस तक पूछा गया था, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा 0.239। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपको करना यही चाहिए कि इसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देना चाहिए, और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका हो जाता है।